उत्तर प्रदेश से अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के एक आरोपी को मार गिराया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनकाउंटर में मार गिराए गए आरोपी का नाम राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे है। हिस्ट्री शीटर हनुमान पांडे की तलाश लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन वो फरार चल रहा था। ये एनकाउंटर उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने किया है। आपको बता दें कि एसटीएफ मुख्य रूप से ऐसे गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने के मकसद के लिए ही बनाई गई थी। इसका पहला शिकार डॉन श्री प्रकाश शुक्ला था। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी फिर कभी। आज आपको हनुमान पांडे के ढेर होने का किस्सा बताते हैं। विधायक कृष्णानंद राय के हत्याकांड के इस आरोपी के ढेर होने की सूचना खुद यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने दी है। अमिताभ यश ने बताया कि लखनऊ के सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन के पास यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के साथ एनकाउंटर में हनुमान पांडे मारा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हनुमान पांडे पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी था। इस हिस्ट्री शीटर को मुख्तार अंसारी मुन्ना बजरंगी का करीबी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी पर आरोप लगा था। दो साल पहले जुलाई 2018 में बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप डॉन सुनील राठी पर लगा है। राकेश उर्फ हनुमान पांडे मऊ के कोपागंज का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर कई आपराधिक वारदातों में शामिल होने का आरोप है। आपको बता दें कि नवंबर 2005 में विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। इस हमले में विधायक सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।